हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष आसनसोल वेस्ट बंगाल से रीदम इक्विपमेंट की तरफ से। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो एक 15 इंच के स्पीकर के ऊपर है जो कि अराउंड इंडिया की तरफ से है। और फ्रेंड्स, जो लोग लाइव शो करते हैं, लाइव साउंड ऑपरेट करते हैं, उनके लिए ये स्पीकर बहुत काम का है। और जैसा कि अभी आपको पता है कि मार्केट में PAUDIO 226 के प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो आप उसके रिप्लेसमेंट में ये स्पीकर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों ही स्पीकर को क्रॉस चेक किया है, PAUDIO 226 और एराउंस का ये 226। मैं इन दोनों स्पीकर्स को लाइव शो में मैंने ऑपरेट करके देखा है। आप डेफिनेटली उसके रिप्लेसमेंट में इस स्पीकर को यूज कर सकते हैं। थ्रो बिल्कुल प्योडियो के तरह ही है, डेप्थ बिल्कुल पकड़ के बज रहा है पूरे शो में। तो आज मेरे सामने ये आप स्पीकर देख सकते हैं जो कि अराउंड इंडिया की तरफ से है, और मॉडल भी आप देख सकते हैं, PRO 15226 मॉडल है। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड टेस्टिंग। और विशेष जानकारी के लिए आपको कंपनी के वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। अब हम लोग स्पीकर को अनबॉक्स करते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पैकिंग की, तो सही है, पैकिंग खराब भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हो चुका है हमारा ये स्पीकर अपने डब्बे से बाहर, और कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने को मिलता है। अभी मैं इस स्पीकर का आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। ये स्पीकर कुछ इस टाइप का दिखता है। आप इसमें मैग्नेट की फिनिशिंग देख सकते हैं, मॉडल आप देख सकते हैं PRO 15226। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 39 से लेके 3 kHz, मतलब आपको इसमें बेस के साथ प्रॉपर लो मिड, आपको हाई मिड दोनों ही इसमें प्रॉपर मिलेगा। अब हम लोग इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो जैसा कि सारे स्पीकर 8 ओम्स के होते हैं, ये भी स्पीकर 8 ओम्स का है। पावर RMS की बात करें तो 1000 वाट कंपनी का दावा है। वॉइस कॉइल 4 इंच इन आउट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड इंडिया की ब्रांडिंग है, और स्पीकर के मैग्नेट की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, मैग्नेट का थिकनेस देख सकते हैं। कंपनी का दावा है इसमें उन्होंने Y35 ग्रेड का मैग्नेट यूज किया है। अब आप यहाँ पे टर्मिनल की फिनिशिंग देख सकते हैं, टर्मिनल किस टाइप का है ये आप देख सकते हैं। साथ ही आप लीड वायर की फिनिशिंग देख सकते हैं, ये हमारा जो लीड वायर है इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये कवर्ड है, और आप स्पीकर की चेसी देख सकते हैं। चेसी दूसरे स्पीकर्स के मुकाबले इसका लुक ही बिल्कुल अलग है। आप पूरे चेसी की फिनिशिंग देख सकते हैं, नो डाउट इम्पोर्टेड स्पीकर है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेड स्पीकर्स के लुक ही बताते हैं कि वो इम्पोर्टेड है। यहाँ आप पेपर की फिनिशिंग देख सकते हैं, ग्लास फाइबर पेपर कंपनी ने यूज किया है। और यहाँ पे आप इसमें एयर वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ पे गैप देख सकते हैं, गैप भी है ताकि स्पीकर को ठंडा होने का मौका मिले, वो जल्दी कटे ना। साथ में यहाँ पे जैसा दूसरे स्पीकर्स में देखिए ये ग्रिल आपको देखने को मिलता है, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है ताकि बाहर का डस्ट पार्टिकल स्पीकर के अंदर ना जाए। अब हम लोग देखते हैं इसके स्पाइडर की फिनिशिंग को। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे स्पाइडर चेसी के साथ चिपका हुआ है, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। साथ में जहाँ पे पेपर और स्पाइडर का ज्वाइंट है उसकी भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये आप स्पाइडर देख सकते हैं, सिलिकॉन जेल स्पाइडर कंपनी ने यूज किया है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे ओवरऑल हम लोग बात करते हैं, देखिए ये साइड के रबर मटेरियल की बहुत अच्छा है। साथ में आप ये पेपर की फिनिशिंग देख सकते हैं, प्रॉपर मिड इसमें आपको मिलेगा। और ये यहाँ पे आप डस्ट कैप की फिनिशिंग देख सकते हैं, स्पीकर की बहुत ही टेस्टिंग की अच्छी तरफ है। जाते हैं, और स्पीकर की टेस्टिंग तो कैबिनेट में ही होती है, लेकिन मैं अभी फिलहाल ओपन टेस्टिंग करता हूँ। बाद में अगर फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं इस स्पीकर की कैबिनेट के साथ टेस्टिंग जरूर करूंगा, क्योंकि सच में इस स्पीकर को बजाने के बाद दिल बहुत खुश हो गया कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसे स्पीकर को सुनने को मिला है जो मार्केट में सच में फ्रेंड्स धमाल साउंड मचा दे। टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने स्पीकर को एम्पलीफायर से और कनेक्ट ये कर मैं दिया। यहाँ पे रेड वायर कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्पीकर की टेस्टिंग को सुना। अब हम लोग चले जाते हैं इस स्पीकर के प्राइस रेंज के ऊपर। ये स्पीकर आपको 10,200 से लेके 10,500 के बीच,
ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाना चाहिए। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप ये स्पीकर को लगाते हैं तो आपको सच में बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग वीडियो को विराम देते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। बहुत भाई ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट ये नया है लेकिन फिर भी वो इस मॉडल को यूज कर रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि सच में इस स्पीकर में क्या कमी है या क्या उनको अच्छा लगा। और अगर इस टाइप के वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, वो सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर है, और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम लोग यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।